जब कोई अपना कई दिनों तक घर नहीं लौटता तो कितना दुख कितनी तकलीफ होती है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हिसार का एक युवा बेटा विकास खुराना कई दिनों से लापता है। वह घूमने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU में गया था और वहां से घूमते हुए बालसमंद रोड की तरफ निकल गया। उसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और अनिष्ट की आशंका से वे कांप जाते हैं, घबरा जाते हैं। आर्किटेक्ट विकास खुराना जो कई दिनों से मिल नहीं रहे हैं, उनके पिता महेंद्र खुराना हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही और कितने दिनों से विकास घर नहीं लौटा है। महेंद्र जी नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र खुराना है। मेरा बेटा विकास खुराना जो कि 28 फरवरी को रूटीन में शाम को 6:30 बजे मेरे साथ उसने चाय पिए है। उसके बाद वो घूमने के लिए सैर करने के लिए रूटीन में जाता था। जब वो घूमने गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आया, तो आज उसको 14 दिन हो गए हैं, अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। मैं SP साहब से भी मिल चुका हूँ, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था, DSP साहब से भी मिला था, उन्होंने भी कहा था जल्दी ढूंढेंगे हम, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। आज उसको पूरे 14 दिन हो गए। तो पुलिस की कार्रवाई से भी आप संतुष्ट नहीं हैं? कोई संतुष्टि नहीं है जी, उससे कोई कार्रवाई नहीं, कोई इतनी मतलब कोई सुराग नहीं लगा अब तक, उनको भी कोई सुराग नहीं लगा। हमने अपने लेवल पे भी पूरी कोशिश की है, बार बार जाकर नहर के इधर इस साइड भी गए हैं, जिस फुटेज आई है जो उसकी 2 नंबर गेट से बाहर गया, इस रोड पे जा रहा है वो बालसमंद रोड से आगे झिलमिल ढाबा के आगे से भी जा रहा है, लेकिन आगे उसके बाद कहीं इसकी कोई फुटेज नहीं मिली है, ना पुलिस वालों को मिली है कोई फुटेज, ना कोई उनको कोई सुराग लगा है जी। हम तो खैर कहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं जी, पुलिस ही जब नाकाम हो रही है तो हम क्या करें। मतलब आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर चुके हैं? बहुत ढूंढा तो जहाँ जहाँ भी कहाँ पता चले बहुत जगह ढूंढते हैं, तो अपने को कोई वजह भी नहीं पता कि आखिर क्या कारण हो सकता है। नॉर्मल था वो। दुआ करते हैं कि विकास खुराना जहाँ भी हो स्वस्थ हो सही हो। आपकी थोड़ी सी तत्परता थोड़ी सी जानकारी विकास खुराना और उसके परिजनों को राहत प्रदान कर सकती है।